दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए पहले चार्ट को हम डेली जो टाइम फ्रेम है उसमें सेट करते हैं। तो कुछ इस हिसाब से आपको अगर आज के दिन की जो कैंडल है उसे मार्क करते हो तो आज के दिन का हाई और लो हम मार्क करते हैं, तो वो तकरीबन देखिए हाई की बात करें तो वो 17,950 के करीब था और लो की बात करें तो 17,800। ओके, तो ये कुछ मूवमेंट आज के दिन में 158 पॉइंट की नज़र आई। अब ये टाइम फ्रेम को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है वो कैंडल के हिसाब से आज की जो इंडिकेशन है वो बुलिश इंडिकेशन नज़र आ रही है और कल के लिए भी ये बुलिश हो सकता है। चलिए चार घंटे के चार्ट में अगर जाओगे तो वहाँ पे भी वही इंडिकेशन मिल रही है। हाँ, छोटा सा एक घंटे लास्ट वाली जो कैंडल थी चार घंटे की वो बता रही है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, लेकिन वो ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है, मीन्स रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब है, पिछले दिन का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए दो घंटे में देखते हैं वही इंडिकेशन मिल रहा है, एक घंटे में भी वही इंडिकेशन मिल रहा है, क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है एक घंटे में। कुछ मार्केट रिट्रेस तो हुई है लेकिन पिछले दिनों का जो हाई है वो हाई के काफ़ी करीब है। पिछले दिनों का हाई माने ये वाले जो हाई है उसकी मैं बात करूँ। ओके, तो देखिए ये रिट्रेस होके इसे यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। अब 5 मिनट की जो टाइम फ्रेम है उसमें भी आप जा सकते हो, लेकिन 5 मिनट की जो टाइम फ्रेम होती है वो ज़्यादातर एंट्री लेने के लिए यूज, ओके, एंट्री या एग्जिट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए 5 मिनट की कैंडल, अगर 15 मिनट की कैंडल की बात करें तो आपकी एंट्री बनती थी यहाँ पे कहीं, ओके, लास्ट वाला जो भी हाई रहा होगा उसके ब्रेकआउट के ऊपर, ओके। और अगर 5 मिनट में आप एंट्री लेते हो तो वहाँ पे देखिए ये आपको हैमर काइंड ऑफ कैंडल मिल जाती है और उसने पिछले दिन का जो हाई था उसे ब्रेकआउट दिया था, तो अब ये सपोर्ट बन चुका था, तो यहाँ पे ही एंट्री बनती थी 17,820 के करीब, तो एंट्री के लिए यूज़ होता है। तो अब इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि 5 मिनट की कैंडल भी आप देख सकते हो लेकिन एंट्री के लिए लाइव मार्केट में वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए डेली चार्ट में फिर से आते हैं और थोड़ा सा स्क्वीज करके देखते हैं। अगर तो देखिए डेली चार्ट में तो कुछ पास इंडिकेशन वैसे बाइंग नज़र ही आ रही है, लेकिन अगर 15 मिनट की कैंडल में इसे ले जाते हैं थोड़ा स्क्वीज करके देखते हैं। चलिए ये स्क्वीज कर लिया तो हमें क्या नज़र आ रहा है, देखिए ये एक तरह का पैटर्न होता है, ओके, ये पैटर्न को बोला जाता है एसेंडिंग ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया, ये रेजिस्टेंस वाला ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है ये, और ये ट्रेंड लाइन हमने खींची तो ये एसेंडिंग ट्रायंगल माने प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रही है। देखिए आप देखोगे तो ग्रेजुअली जो लो है वो हायर होता जा रहा है, हायर लो आपको नज़र आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू डाउट थियरी ये बोला जाता है कि अगर हायर लो नज़र आ रहा है, और ये शॉर्ट टर्म में भले ही है 15 मिनट के चार्ट, लेकिन ये इंडिकेशन देता है कि बाइंग आ रही है, ओके, या बाइंग बनी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट रिट्रेस होगा यहाँ पे कहीं पे और फिर से यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, ओके। चलिए डेली चार्ट में जाते हैं और डेली चार्ट में हम ये निकाल देते हैं, डेली चार्ट में बॉलिंजर बैंड डाल के देखते हैं। देखिए बॉलिंजर बैंड की बात करें तो बॉलिंजर बैंड में 20 की जो मूविंग एवरेज होती है, जो मिडल लाइन होती है मिडल बैंड, वो 20 का मूविंग एवरेज होता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि अब ये मूव करेगी अपर बैंड की तरफ, और अपर बैंड की बात करें तो 18,200 या 230 के करीब ये आपको मूवमेंट दे सकता है, तो ये टारगेट हो सकता है आपका डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन कल के लिए नहीं, 2 दिन भी हो सकते हैं, एक्सपायरी तक भी हो सकता है, 2-4 दिन भी हो सकते हैं। कल के लिए क्या करना है बताता हूँ। चलिए तो बॉलिंजर बैंड तो बता रहा है कि बुलिश मूवमेंट बनी हुई है और का जो क्लोजिंग है वो भी 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ है। अब RSI को भी थोड़ा डाल के देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे RSI ढूंढेंगे तो RSI हमें मिल जाए। चलिए RSI की बात करें तो देखिए RSI 51, ओके, RSI कहाँ पे रुका हुआ, अभी जो लेवल है वो है 51 का लेवल, और 51 का लेवल है माने ये बाइंग में बता रहा है, RSI इंडिकेशन दे रहा है बाइंग की। अब RSI को किसी और तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो, कई बार ये इंडिकेशन देता है कि बाइंग आने वाली है, ओके, जैसे ये देख लीजिए
ये आप देखोगे तो प्राइस मूवमेंट नीचे की ओर बता रही है, इसका लो मार्क करेगा। और अगर RSI में वही चीज देखी जाए तो RSI ने इंडिकेशन दिया है, RSI ये कन्वर्जन डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, आप डेली टाइम फ्रेम में 2 घंटे की 15 मिनट की उसमें सभी में देख सकते हो, 15 मिनट में आपको जल्दी इंडिकेशन मिलता है। इसे देख लीजिए, ये जो लाइन है उसको मैं निकाल देता हूँ। अब ये देख लीजिए, ये एक लाइन ट्रेंड लाइन हमने खींची यहाँ पे और ये एक ट्रेंड। अब देख लीजिए यहाँ पे प्राइस बता रहे थे कि मार्केट की मूवमेंट है वो नीचे की ओर है, लेकिन RSI बता रही है कि मार्केट के मोमेंट बुलिश रहेगी। और फिर आप देख लीजिए, तो ये नहीं बता रहा कि देखिए ये कुछ हुआ, और कि लाइव मार्केट में ये चीज़ें ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ट्रैक करना सीख जाते हो इसे एनालिसिस कर सकते हो कि देखिए इंडिकेशन तो बुलिश है, लेकिन बुलिश पहले इंडिकेशन दिया था, अभी बुलिश है, अभी ये रिट्रेस हो चुका है। और RSI हमने देखा 51 का था डेली चार्ट में, तो इतनी भी ज़्यादा बाइंग नहीं आई है, अभी बाइंग बनी हुई है तो कंटिन्यूटी रहेगी। अब कल क्या करना है, तो कल के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि डेली चार्ट में अगर जाते हैं ओके, तो क्या हो सकता है कि कल मार्केट अगर ब्रेकआउट पे मीन्स गैप अप ओपनिंग हो जाती है 18,929, ये जो हमने मार्क किया है उसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा और यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, जो रेजिस्टेंस अभी हमने ड्रॉ करके रखा रहा है आज के दिन का हाई, वहाँ पे ये सपोर्ट बनाएगा और फिर से मार्केट ऊपर की ओर उठेगा। आपका कल टारगेट हो सकता है 18,100, 18,200 और 18,300, तो 3 टारगेट रहेंगे, देखते हैं कल ओके। और जहाँ तक बात है अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वो वाले केस में साइडवेज मार्केट रहेगी, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ से ओके, यहाँ से अगर गैप डाउन ओपनिंग मीन्स आज के दिन का जो क्लोज है उसके नीचे ओपनिंग होती है यहाँ पे मेरा मतलब है, तो ये साइडवेज मार्केट रहने वाली है। और आज के दिन का जो लो है उसके करीब अगर ओपनिंग होती है तो वो वाले केस में लो के करीब सपोर्ट बनाएगी और फिर आप ये दोनों के बीच में ही मार्केट रहे, तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बाइंग अच्छी खासी नज़र आएगी, गैप डाउन होती है या यहीं पे कहीं पे मार्केट खुलती है तो वो वाले केस में छोटी मोटी मूवमेंट नज़र आएगी, लेकिन 18,929 या 18,950 और 17,800 ये दोनों के बीच में ही मार्केट बनी रहेगी, कोई खास बाइंग या सेलिंग मैं नहीं बता सकता अगर आज के दिन का जो हाई है उसके नीचे अगर मार्केट खुलती है तो, लेकिन मार्केट इसके ऊपर खुलती है और यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनाती है, ये भी हो सकता है कि मार्केट आज जो क्लोज हुई है वहीं पे ओपन हो और जल्दी से सुबह ही 10:30 बजे से पहले ये ब्रेकआउट दे देती है, तो वो वाले केस में भी आप ब्रेकआउट को देख के एंट्री ले सकते हो। तो बाइंग में आपको फ्यूचर में जाना है, आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, वहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन कल कुछ ऐसे मार्केट रहेगी ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ।